Assalamu alaikum. Hey, what's up guys? This is Farooq and welcome back to Farooq Ahmed YT. Hope you guys are all doing awesome. So guys, there is a new lucky spin in PUBG Mobile. मैं न्यू तो नहीं कहना चाह रहा, बट आफ्टर अ लिटल रिसर्च आई गॉट रियली डिसअपॉइंटेड. वो मैं आपको बताऊंगा गेम के अंदर हाउ आई गॉट डिसअपॉइंटेड. सबसे पहले हम चलते हैं गाइज, वेलकम बैक के नाम से गॉडज़िला का दोबारा से वापस ये वाली स्पिन आ चुकी है. इसके अंदर ये वाला हमारे पास कॉन्ग का सेट है, ये वाला हमारे पास गॉडज़िला का हेडपीस, गॉडज़िला का ड्रेस. मेरे पास ऑलरेडी सारी की सारी चीज़ें हैं. कुछ चीज़ें मिसिंग है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी चीज़ें मिसिंग है. गाइज, मेरे पास दो मोका गॉडज़िला के ड्रेसेस हैं और चार हेड गियर्स हैं. जो कि क्यों मेरे पास चार और दो थे वो मैं भी आपको अभी बताता हूँ. और सबसे पहले अगर साइड पर चेक कर लें तो हमारे पास 20 कॉइन्स है. 10 खोलने पर हमारे पास पैन की स्किन है, जो कि ये वाली है, मेरे पास ऑलरेडी है. 50 खोलने पे 100 कॉइंस, और 100 हमें खोलने से एक हमें क्रेट मिलेगा, जो कि जिसमें से रैंडम कोई भी लेजेंडरी चीज निकलेगी. और गाइस, सबसे मजे की बात, PUBG ने गॉडज़िला ओम इस स्पिन के अंदर ऐड कर दिया एज ए लेजेंडरी स्किन. और गाइस, अगर यहां पे हम बात कर ले तो यहां पे हमारे पास ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें हैं. लास्ट टाइम जो स्पिन आया था उसके अंदर से हमारे पास जो गॉडज़िला का ओरिजिनल ड्रेस था वो वाला इसमें उन्होंने नहीं डाला. उसके अलावा कुछ और चीज़ें, ये वाला हमारे पास स्पिन के अंदर था, ये वाला प्रीमियम क्रेट के अंदर था, ये वाला ड्रेस, और बाकी कॉन्ग वगैरह तो हमारे पास हैं. ये हम आज खोलने जा रहे हैं. हमारे पास नया ड्रेसेस ये आए हैं, ये देखें गाइस, गॉडज़िला स्पेशलिस्ट ये ड्रेस नया आ जाएगा. और यहाँ पे हमारे पास कॉन्ग टाइटानोलॉजिस्ट, अजीब नाम रखा है, ये हमारे पास 900 कॉइन का है. गाइस, अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट शो करता हूँ कि ये कितने यूसी का है, और फिर उसके बाद व्हाई आई गॉट डिसअपॉइंटेड वो मैं आपको बताता हूं. गाइस, ये चेक करें, अभी ये मैंने दूसरे अकाउंट से पुल अप किया है. एक जो हमारे पास कॉन्ग बड़ी है वो 1500 कॉइंस का हमें मिलेगा, ड्रेस जो है वो 1200 कॉइंस का मिलेगा हमें, ये वाला ड्रेस. और उसके बाद ओम है, अगर हमने ऑलरेडी रिडीम करनी है वो मुझे नहीं पता कितने की हो सकती है. आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना, अगर आप देखोगे ये ओम तो आपके पास कितने कॉइंस की आ रही है, क्योंकि मेरे पास तो शो नहीं हो रही. आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपके पास ये वाली ओम कितने कॉइंस में शो हो रही है. और गाइज, इसमें इन्होंने जो सबसे गंदी चीज़ की है कि आप यहाँ से कोई चीज़ गिफ्ट भी नहीं कर सकते. अभी मैं बताता हूँ आपको व्हाई आई गॉट डिसअपॉइंटेड. गाइज, ये मेरी वीडियो है, अगर इस वीडियो पे आप जाएं, मैंने ऊपर कार्ड में भी दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ये मेरी गॉडज़िला वाली होला बड़ी स्पिन जो स्पेशल हमारे पास आया था बैक इन मई, तो तब मैंने 2500 का गाइस हमारे पास गॉडज़िला बड़ी था. अगर हमारा नहीं निकलता था तो अगर रिडीम करना पड़ता था तो 2500 का गाइस यहाँ पे. और सेकंड जो चीज़ है ड्रेसेस 1800 का, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1200 का, जो मैंने आपको पिक्चर आगे शो किया. सो गाइस, इसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे चार चीज़ें चाहिए. एक तो हम मेरे पास स्कारल, और मेरे पास हेलमेट की स्किन. ये लास्ट टाइम अगर आपने देखा हो मेरा जो प्रीमियम क्रेट से निकालने की कोशिश की थी, तो उसकी वजह से मेरे पास ये वाला जो ट्रैक था मोका गॉडज़िला वाला, ये दो दफ़ा, और हेडपीस चार दफ़ा निकला था, लेकिन ना ही स्कारल निकली थी ना ही हेलमेट निकला था, तो मैंने छोड़ दिया था. मैंने कहा ओके, आई डोंट केयर, क्योंकि लेजेंडरी आइटम्स हैं तो इस पर ज़्यादा यूसी लगाने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन गाइस, सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर एनिमेशन है, लेट्स सी द एनिमेशन. Same animation, I guess. I do remember same animation, eh? चलो गाइज, स्टार्ट करते हैं. मेरे पास 31,000 यूसी हैं, होपफुली. मैंने गाइज वॉल्यूम लो किया हुआ है क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, बहुत ऊंचा वॉल्यूम है. यहाँ पे हम बैन भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं. आई थिंक आई कैन बैन वन मिथिक, वन लेजेंडरी एंड वन एपिक. चलो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड. और इसमें होपफुली अगर ओम हमारी निकली तो 3 मटीरियल्स में कन्वर्ट होगी. लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज, 540 यूसी, लेट्स गो, होप फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस कि यहाँ पे हमारी स्कारल, हेलमेट और ओम ये निकला है. क्योंकि जो चीज़ें हैं क्वाइंस, वो तो क्वाइंस इकट्ठे करने पड़ेंगे गॉडज़िला बड़ी के लिए, लेकिन अगर जो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हैं वो दोबारा निकलेंगी, आई थिंक वो क्वाइंस में कन्वर्ट होंगी. देखते हैं ये है कि वो कितने क्वाइंस में कन्वर्ट होती है, दिखना सिर्फ और सिर्फ ये है. ओके, आई थिंक यहाँ पे तो सिंपल एक ही चीज़ होगा कि स्किप आउट करके करना पड़ेगा. ओके, गॉडज़िला का यहाँ पे हमारे पास पैराशूट निकला, जो कि ऑलरेडी मेरे पास है.
क्वाइंस क्वाइंस क्वाइंस, हमें ज्यादा से ज्यादा क्वाइंस चाहिए यार, इन 2-4 क्वाइंस से ये काम नहीं चलेगा। क्या नेक्स्ट वाला स्किप आउट पे ट्राई करें? ओके 10 क्वाइंस में, चलो ये तो अच्छा है। लेट्स गो वन मोर टाइम, नो लेट्स गो अगेन विद द स्किप, नहीं करो यार। ओके यहां पे गाइस हम अपना मोड जो है वो चेंज करते हैं अपने इन्वेंटोरी के ऊपर, क्योंकि गाइस रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा इन्वेंटोरी के ऊपर मेरी लक काफी अच्छी चलती है। लेट्स गो, नो वन मोर हम करते हैं और उसके बाद हम 2 से 3 स्किप के बगैर हम करेंगे। लेट्स गो विदाउट स्किप, क्योंकि हमें गिवन और टेक जो है वो 1600 कॉइंस तो चाहिए ही चाहिए हैं। लेकिन गाइस गिवन और टेक हमें यहां पे ओके 2 दफा पैराशूट, ये तो काफी अच्छा है। लाइक गिवन और टेक यहां पे 1800 क्वाइंस तो हमें चाहिए ही चाहिए, और उसके अलावा हमें स्कारल और हेलमेट की स्किन है ये हम देखेंगे। अगर हमारा यहाँ से स्पिन के अंदर से निकल आता है तो वेल एंड गुड, फिर हमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ से हम 100 जब कंप्लीट होंगे उसके बाद मैं कलेक्ट करूँगा। होपफुली कि यहाँ पे मिथिक 1 या 2 हमारे निकले, अगर मिथिक निकला है तो उससे क्वाइंस बहुत ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे। ओके नथिंग, लेट्स गो वन मोर टाइम, 3rd पे हम स्किप करेंगे। मिथिक पे अगर यहाँ पे टैप करूँ स्किप तो नहीं होगा? नहीं स्किप नहीं हो रहा। ओके नॉर्मली ये होता है क्लासिक या प्रीमियम क्रेट अगर खोलें तो उसमें से हमारा टैप टैप समटाइम काम करता है, लेकिन रिसेंट तो वो भी तो इतना कोई खास नहीं है। ओके आई एम चेंजिंग माय मोड नॉर्मल टू अरेंगल। ओके गाइस यहाँ पे हम साइड से अपनी चीज़ें कलेक्ट करते हैं। लेट्स सी अगर ये पैन हमारे क्वाइंस में कन्वर्ट होता है या नहीं। मेरे पास 2 पैन ये हो गए हैं कि ये क्वाइन में कन्वर्ट नहीं हुआ, उसके बाद 100 क्वाइंस और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्रेट। कम ऑन, अच्छा ऑटोमेटिक ये खुल जाएगा। चलो गाइस यहाँ पे हम स्किप करके ट्राई करते हैं, एक वन मोर। गाइस देखो 20,000 तक यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ, अगर 20,000 तक हमारा नहीं निकलता तो फिर मैं मोबाइल से जाऊँगा। स्किप आउट करते हैं, यहाँ पे ट्राई करते हैं। ओके पैन 2 दफ़ा निकला, कम ऑन इनको कन्वर्ट करो ना, पबजी कन्वर्ट ही नहीं कर रहे। लेट्स गो वन मोर, ओके बनाना बैकपैक जो कि 35 में कन्वर्ट हुआ, फाइनली समथिंग्स बेटर देन नथिंग यू नो। ओके द लास्ट वन बनाना बैकपैक अगेन, और यहां पे 900 गाइस यहां पे हमारे हो चुके हैं। गिवन और टेक आप कह लें कि 10,000 11,000 में मुझे जो है वो 900 एक तो कंप्लीट हो गए। लेट्स गो अगेन। ओके गाइस और यहाँ पे हम वापस अपने मोबाइल पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने स्पिन के अंदर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस के यहाँ पे हमारी कोई ना कोई तो लेजेंडरी चीज़ या मिथिक निकले जो कि हमारे अच्छे कॉइन्स में कन्वर्ट हो सके। ओके गाइस लेट्स तो सीधा हम 10 का करते हैं। ओके 4 क्वाइंस, यार ये बहुत लंबा जा रहा है, इसको स्किप आउट करके ट्राई करते हैं। 1 ओके मॉली की स्किन स्किप पे, ना जस्ट सिंपल क्वाइंस, सिंपल क्वाइंस अगेन 10 का अगेन दोबारा करते हैं। कम ऑन यार ओम तो दे दो, एक पबजी एक ओम दे दो। चलो गाइज यहाँ पे एक और चीज़ ट्राई करते हैं। ओके गाइज यहाँ पे हमने वीपीएन लगा लिया और चलते हैं दोबारा से अपनी गेम के अंदर। ओके गाइज अब दोबारा से हम आ चुके हैं वापस अपना वीपीएन लगा के। लेट्स सी गाइज आप लोगों के सामने मैंने ऑलमोस्ट 13,000-14,000 यूसी जो है वो स्पेंड किए हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बैकपैक और मॉली की स्किन निकली है। अगर ये देखें मॉली की यहाँ पे स्किन निकली है और ये बनाना बैकपैक हमारे पास निकला है जो कि कॉइन्स में कन्वर्ट हुआ है, उसके अलावा पैराशूट 2-4 दफ़ा निकला है, नथिंग एल्स। ये है जो हमारे पास पैन वगैरह हैं ये तो जस्ट नॉर्मल लिख रहे हैं और क्वाइंस में कन्वर्ट हो ही नहीं रहे। लेट्स सी कि अगर हमारी यहाँ पे वीपीएन के साथ कोई लेजेंडरी या एपिक चीज़ निकलती है। लेजेंडरी चीज़ों में मुझे स्कारल चाहिए, हेलमेट चाहिए और ओम निकली तो बैग में मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन लेजेंडरी चीज़ में मैं एक बात कर रहा हूँ, इसमें देखते हैं हमारे पास कितने कॉइन्स इकट्ठे होते हैं। देखो गाइज ये फ़र्क पड़ता है जब क्रिएट ओपनिंग के दौरान आप लोग वीपीएन यूज़ करो, लाइक नॉर्मल पे लक चल ही नहीं रही और इस पर किया तो इस पर आपके सामने ये चेक कर लें।
यार मेरे पास ऑलरेडी है, कम ऑन, इसको कॉइन्स में कन्वर्ट करो ना। यार मुझे लगा कोई अच्छी चीज़ है कॉइन में कन्वर्ट होगी। कम ऑन पबजी, कब सुधरोगे? ओके शिप अगेन, ओके 30 कॉइन्स शिप के। वेल दैट हेलमेट, और हेलमेट के कोई भी कॉइन्स नहीं है। कम ऑन बैकपैक अगेन। गाइस स्किप पे तो यहाँ पे चीज़ें निकल रही हैं। There you go guys, there you go guys, yes, let's go boys। और इसके साथ ही 4135 legendary item complete हुई। guys ये वाली मेरे पास missing थी। let's go boys, let's go। Scarl यहाँ पे क्या हमारी निकलेगी? हमें Scarl, okay, helmet again, come on, Scarl चाहिए guys, PUBG Scarl, okay, दो दफा हमारे पास यहाँ पे parachute निकला, again parachute निकला। स्किप पे काम कर, चल रहा है। ओके अगेन पैराशूट। स्कारल कम ऑन स्कारल, बैकपैक ये वाला है यार, मॉली भी है, ये कॉइन्स में कन्वर्ट ही नहीं हो रही। 7 ये और 6 ये, क्या करने इतने मैंने ये वाले। ओ भाई साहब नहीं करो कॉन्क, बड़ी कॉन्क गाइस यहाँ पे स्क्रीनशॉट बनता है यार, बड़ी कॉन्क यहाँ पे। कम ऑन 503 मिथिक आइटम, कम ऑन पबजी, लेट्स गो। 100 कॉइन्स में कन्वर्ट, ओ माय गॉड यार नहीं करो 100 कॉइन्स में। हमें यहाँ पे 1800 चाहिए, लेट्स गो। थोड़े से हमारे गाइस यहाँ पे रह गए हैं, कम ऑन एक और मिथिक दे दो यार। 100 कॉइन्स सीधे के सीधे हमारे हो जाएंगे, 1700 हो गए। ओके 1800 गाइस यहाँ पे हमारे हो गए हैं। आई विल गो अ लिटिल बिट लाइक 5000 तक मैं जाऊँगा, यू सी लाइक 3000 मोर, क्योंकि हमें स्कारल की भी स्किन चाहिए। स्कारल की स्किन अभी तक हमारे पास नहीं है गाइस। अगर रिडीम में जाएं तो 450 पॉइंट्स हमारे लगेंगे स्कारल की स्किन के लिए। तो अगर हम वैसे बात करें तो 2250 तक हमें जाना पड़ेगा। लेट्स सी, कम ऑन यार, कम ऑन पबजी, यू कैन डू इट। एक दफ़ा लॉबी जाके दोबारा से मैं वापस आता हूँ। लेट्स गो लॉबी जाके दोबारा से वापस, 10 वाला दोबारा से खोलते हैं। ओके बैकपैक 35 कॉइंस, कम ऑन स्कारल यहाँ पे निकलनी चाहिए यार। स्कारल पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, लेट्स गो। लेट्स सी यहाँ पे एक और चीज़ करते हैं, मैं अगर इन्वेंटोरी इसमें सेलेक्ट करके चेक करूँ। लेट्स गो गाइस इन्वेंटोरी सेलेक्ट करते हैं। बैन मैंने कुछ चीज़ें की हुई हैं। ओके यार अगर एक काम मैं यहाँ पे करूँ, बैन में जाऊँ, अगर मिथिक मेरे पास निकलेंगे दोबारा से वो तो कॉइन्स में कन्वर्ट होंगे ना, तो वेल एंड गुड, वाई नॉट। ओके यहाँ पे हमारे पास 4000 यूसी बाकी रह गए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे पास 200 और हमें कॉइन्स चाहिए बस। लेट्स गो गाइस, कम ऑन एक मिथिक दे दो यहाँ पे और को भी। ओके 2100 यहाँ पे कॉइन्स हो चुके हैं, 2250 हमें यहाँ पे चाहिए। ओके बैकपैक अगेन, कम ऑन यार बैकपैक इतना नहीं हमें चाहिए। विदाउट स्किप गाइस करते हैं यार, मोबाइल से तो वाकई लग नेक्स्ट लेवल चली गई है। लाइक सिर्फ और सिर्फ मुझे स्कारल चाहिए थी, वो नहीं अभी तक निकली, लेकिन ये है कि हम रिडीम में हम कर सकते हैं, मेरे पास इतने कॉइन्स हो जाएंगे। होप फॉर द बेस्ट कि यहाँ पे अगर हमारी स्कारल निकलती है, टैप 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 टैप, कम ऑन। अगर नहीं होता नेक्स्ट हम जो है वो अरेंगल सेलेक्ट करेंगे। स्किप, ओके पैराशूट 10 कॉइन्स में हमारा कन्वर्ट हुआ। स्कारल की स्किन निकलेगी या नहीं निकलेगी, सिर्फ और सिर्फ वन वे टू फाइंड इट आउट, टू डू द स्पिन। कम ऑन स्कारल पे जा रहा है, लेकिन रुक जाना स्कारल पे, मज़ा आएगा अगर स्कारल। यार यकीन करो अगर गाइस यहाँ पे स्कारल हमारी निकलती है इन 2500 में, लाइक तो यकीन करो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। ओके मेरे पास कितने कॉइन्स हो गए, 2236, मुझे 14 मोर कॉइन चाहिए, वन मोर एंड देयर यू गो। और इसके बाद 2274, लेट्स गो गाइस बैक टू अवर एमुलेटर, और वहाँ पे हम इन चीज़ों को रिडीम करते हैं। ओके गाइस तो यहाँ पे हम वापस अपने एमुलेटर पे आ चुके हैं, लेट्स गो। और सिंपल इज दैट यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ है, मैं अपनी स्कारल भाई लूँगा, क्योंकि गॉडज़िला वाले लेते हैं, सबर करो गॉडज़िला वाले लेते हैं गाइस यहाँ पे, देयर यू गो। एंड इसके साथ ही 4141, दैट्स अ गुड नंबर। ओके गाइस यहाँ पे हम एक और चीज़ करते हैं, मैं दोबारा वो लॉबी जाता हूँ, यहाँ से हम गैलरी के अंदर जाते हैं, और यहाँ पे अगर सेलेक्ट करें गाइस सीजन 19, एंड देर यू गो गाइज, मुझे पता था ये कभी ना कभी तो इन फ्यूचर वापस आएंगे। एंड देर यू गाइज वी गॉट इट ओवर मोका गॉडज़िला एवटार,
जो कि हमारी सारी की सारी आइटम इस सीज़न के अंदर ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आई थिंक अगर हम यहाँ पे बात करें सीज़न 19 की, 139 आउट ऑफ 140 आइटम्स कौन सी मिसिंग है यार, कौन सी ऐसी आइटम है जो मेरे पास मिसिंग है यहाँ पे? ओ ये वाला हेडगेयर हमारे पास मिसिंग है, किलर ऑर्नेट वाला। ओके मिथिक है ये, मिसिंग है, क्लासिक क्रेट में है, क्लासिक क्रेट पे मैं ज़्यादा यूज ही नहीं लगाता। बट गाइज अभी हम दोबारा से अपने स्पिन के अंदर चलते हैं, जो दो चीज़ें, सबसे पहले हमारा गॉडज़िला स्पेशलिस्ट जो हमारे पास है। ओके 41 तो ऑलरेडी था, ये दोबारा से 41 वाला क्या सीन है पबजी। और उसके बाद सेकंड वन जो है हमारे पास कॉन्ग, यहाँ पे कॉन्ग का भी हम रिडीम करते हैं। कम ऑन अगेन 41 क्या हो गया, ग्लिच हो गया यहाँ पे मेरा 41 क्या? ओके गाइस और इसी के साथ इस पिन के अंदर सारी की सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे निकल आई हैं। आप गाइस देख सकते हो हमारे पास रिडीम्ड ये हमने कर लिए हैं। वेल गाइस यहाँ पे हम चलते हैं और सबसे पहले हम अपने वर्कशॉप के अंदर कंपेनियन के अंदर, एंड देयर यू गो गाइस। और इसके साथ ही ओके सो इट्स अ लिटिल डिफरेंट इमोट, आपको स्पेशल इमोट मिलेगा इसके साथ। ओके आई लाइक दैट। अगर हम दूसरा बात करें हमारा यहां पे कॉन्ग, हेलो कॉन्ग कैसे हो यार? ओके ओके आई काइंड ऑफ लाइक दिस इमोट, मजे का इमोट है वैसे ये वाला, क्या कॉन्ग को वापस लाया जाए? गाइज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कौन सा जो है वो कंपेनियन में रखूँ, गॉडज़िला या कॉन्ग, नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। दो चीज़ें लाजमी बताना, ओम कितने कॉइन्स की है और सेकंड जो है हमारे पास कौन से वाला कंपेनियन जो है वो मैं अपने साथ लॉबी के अंदर रखूँ। आई थिंक आई विल गो विद द कॉन्ग फर्स्ट, लेकिन जैसे आप लोग मुझे बताएंगे उसके बाद आई विल चेंज इट। ओके मज़े का लग रहा है यार, वाकई मज़े का लग रहा है, लेकिन जो पहले ये ज़्यादा चीखें वगैरह मारता था वो वाली इन्होंने ख़त्म कर दी हैं। ओके गाइज और अभी हम बात कर लेते हैं, तुझे भी अभी बोलना था, बोलता भी है तू, ये भी सही है भाई। सो गाइज सबसे पहले हम चलते हैं और देख लेते हैं आज के हमारे कौन सी लकी विनर हैं फ्रॉम ओवर लास्ट वीडियो, पिकअप विनर करते हैं, लेट्स गो चूज फ्रॉम ऑल कमेंट्स, लेट्स सी आज के हमारे कौन से लकी विनर हैं। रॉयल गेमिंग गुड सर एंड कंग्रेस, थैंक यू सो मच रॉयल गेमिंग भाई। यहाँ पे हम देख लेते हैं अगर रॉयल गेमिंग भाई ने हमें कोई और कमेंट किया है या नहीं किया, लेट्स सी। और इसके साथ ही रॉयल गेमिंग भाई में यू लिव लॉन्ग, ओके थैंक यू सो मच। तो वेल गाइज यहाँ पे हम रॉयल भाई को हार्ट देते हैं और इसके साथ यहाँ पे हम इनको रिप्लाई करते हैं। और गाइज जैसे ही हमारे पास यहाँ पे रॉयल गेमिंग भाई यहाँ पे अपनी आईडी लिखेंगे तो इनको इनके यूसी इंशाल्लाह इनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसके बाद गाइज और अभी हम बात कर लेते हैं हमारे पॉपुलैरिटी विनर की। तो गाइज मैंने आप लोगों के काफ़ी स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं। तो गाइज हमारे पास सबसे पहले एक्स एहसन भाई आ रहे थे और ये हमारे पास एहसन भाई की आईडी है। उसके बाद हमारे पास एगर भाई आ रहे थे, ये एगर भाई की आईडी है। और उसके बाद एल बी हबीबुल्ला भाई आ रहे थे, ये हमारे पास हबीबुल्ला भाई की आईडी है। और उसके बाद आर डी शैडो भाई थे और ये हमारे पास शैडो भाई की आईडी है। गाइज जितने भी लोगों के आईडीज यहाँ पे शो हुई हैं इनको इनके रॉयल पास के यूसी बहुत जल्द इनके अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाएंगे। लास्ट वीडियो और उससे पहले वाली वीडियो वाले जो यूसी थे वो गाइज इस वजह से अभी तक सेंड नहीं हो पाए क्योंकि रेजर की ओरिजिनल वेबसाइट डाउन थी। तो इस वजह से मैं रेजर से बाय करता हूँ, तो अभी रिसेंटली उनकी वेबसाइट दोबारा से वापस हो चुकी है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के आपके यूसी बहुत जल्द आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अदर देन दैट गाइज आई होप यू एंजॉय दिस ऑसम स्पिन एंड क्रेट opening if you do so। and guys मैंने last video में भी बताया guys बहुत से लोगों ने आपने subscribe नहीं किया, अब भी अगर आप लोग ये video देख रहे हो subscribe नहीं किया हुआ नीचे आपके पास link आ रहा होगा इस पर क्लिक करें और उसके अलावा नीचे red button है red button क्लिक करें और guys subscribe करें channel को और bell notification on करें ताकि जैसे ही video आपके पास आए, क्योंकि first जो भी comments लोग करते हैं मैं उनको reply भी देता हूँ, उनको hearts वगैरह भी देता हूँ। बहुत से मेरे सब्सक्राइबर दे ऑलरेडी न्यू दैट एंड आई ऑल्सो रिप्लाई ऑल ऑफ योर क्वेश्चन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। अदर देन दैट गाइज मुझे दुआ में याद रखे। Until next time, peace out and Allah Hafiz.